श्री राधे श्याम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कहा हूँ अतिशय मंगल मानसी गंगा, इट्स योर बॉय ए के अतुल कृष्णा। आज मेरा सौभाग्य है और परम कृपा हुई है श्री जी की कि आज मैं अतिशय मंगल मानसी गंगा में पधारा हूँ। मैं संक्षिप्त रूप में इसके बारे में बताऊंगा। आप सब सालों से यहाँ पे आ रहे हो, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, मगर एक बात बताना चाहूंगा, यदि गिरिराज जी की परिक्रमा यहाँ से आप सीधे निकल गए और मानसी गंगा में प्रणाम नहीं किया, परिक्रमा अधूरी रह जाएगी। तो हुआ क्या था यहाँ पे, बहुत सारी धारणा है, मैं कुछ बातें बताऊंगा गर्ग संहिता से, ध्यान से सुनना। जब भगवान ने इंद्र की पूजा रोकी और कहा आप ब्रजवासियों आप गिरिराज जी की पूजा करो, इंद्र का तो कर्तव्य है बारिश करना, वो कोई एहसान नहीं कर रहा, तो अब पूजा कैसे की जाए? तो नंद बाबा यशोदा कहते हैं अरे लाला ने एक तो ही बता दिया भैया कैसे पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा सबसे पहले अभिषेक होगा गिरिराज जी का, फिर भोग लगेगा, फिर श्रृंगार होगा, फिर आरती होगी, है ना। तो सबसे पहला कदम क्या है, जैसे हमारे भैया जी ने मुझे बताया था जब कोई घर पे आते हैं हम उनके पैर धोते हैं, वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा में भी स्नान कराया जाता है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा गिरिराज जी की अभिषेक करो। अब अभिषेक का पानी कहाँ से आएगा, यमुना जी से। यमुना जी कहाँ पर है, या तो वृंदावन में है 20 किलोमीटर दूर, या तो मथुरा में है। अब भोले भाले हमारे ब्रजवासी वो कह रहे अरे काना ये कहाँ फंसा दिया तेने, अब हम घर का काम करेंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे या पानी लेके आएंगे, ये हमारी बस की ना है, तो ये कुछ इलाज कर दे। तो इन प्रेम के इन भूखे हैं हमारे ठाकुर जी, भावग्राही जनार्दना। ठाकुर जी ने इन ब्रजवासियों के प्रेम की अनुग्रह स्वीकार करी, उनको कहा आंखें बंद करो, और जब आंखें बंद करी ठाकुर जी ने अपनी बंशी से बांसुरी से खोद के ये जो मैं जहां आपको लेके चल रहा हूँ मानसी गंगा प्रकट की। ये कोई पानी टंकी का नहीं है, ये कोई किसी ने भरा नहीं हुआ, साक्षात हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी के बंशी से निकला हुआ पानी है। और भगवान ने अपने मन से क्योंकि आह्वान किया था और नाम पड़ गया मानसी गंगा। आइए आप सबको लेके चलूंगा एक बहुत ही दिव्य सफर पर और दर्शन कराऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू, राधे राधे भैया, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से द्वार होता है और हम चलेंगे अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप दूध लेके जा सकते हो, अगरबत्ती है, जय हो, आप भी ले, राधे भैया, जय जी, जय हो। तो ऐसे आप जब कदम रखेंगे मेन गेट में तो ऐसे आप सामग्री ले सकते हैं पूजा के लिए, पूजा के लिए। और हम चलो बढ़ रहे हैं। राधे राधे भैया, कैसे हो आप? बहुत सुंदर लग रहे हो। देखो भैया ब्रजवासी के दर्शन हो गए, मतलब ठाकुर जी के दर्शन हो गए, आनंद में चक्के मौज ले रहे हैं ब्रजवासी। चलिए गिरिराज महाराज की जय, मानसी गंगा की जय, गिरिराज धरण की जय। अरे यार इतना तो कर लो, घर बैठे बैठे बहुत मुश्किल से ठंड को सह के आपके आशीर्वाद से ये लाइव सेशन लेके आ रहा हूँ, थोड़ा तो आशीर्वाद हो, उत्साही दिखा दो, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। चलिए चलते हैं और आपको बहुत अच्छे लगेंगे आज के मंगलमय दर्शन। ये लोगो, ये हमारे ठाकुर जी है, गोपी वेश बन के आए हैं श्री जी को मनाने के लिए। आह क्या प्रेम प्रसंग है। तो इस प्रकार से आप एंटर करेंगे मेन द्वार से और ऐसे रास्ते आएंगे और आप चलोगे मानसी गंगा की ओर। जी जी चलिए चलिए। और इस प्रकार से जब आप अंदर आओगे, जी जी मैं हाथ अभी ले जी, हाँ हाँ, तो मंगलमय स्वभाव से ऐसे दर्शन होंगे, बहुत सुंदर प्रांगण है यहाँ पे। देखो मंदिर मुखारविंद, जय हो, अद्भुत क्या नजारा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हम गोलोक वृंदावन में। राधे राधे। और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया था, यहाँ पर भगवान ने जब गिरिराज जी की पूजा हो गई थी सबसे पहले अपने दर्शन यहीं दिए थे, और दूसरा भगवान ने इसी स्थान पर ब्रजवासियों से पूजा करवाई थी। तो यही स्थान है गोवर्धन में जो सिद्ध है, जहाँ पे ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा की थी। ओके चलते हैं और एक्सक्लूसिव दर्शन लेके आया हूँ आज। जय गिरिराज महाराज। वाह देखो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, तो अतिशय मंगल यहाँ पे श्री जी सरकार है। तो जब आप आए अपना प्रेम और अपने ठाकुर जी को खूब निहारे, बहुत सुंदर है यहाँ पे राधा कृष्ण।
राधे 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 राधे। चलिए चलिए, और ये भाव है, ये भक्ति है। जय हो रंगीलो दारो। चलिए, और ये है जैसे हमारे गिराज, सुंदर सुंदर। आइए देखो ठाकुर जी कितने सुंदर बैठे हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण तो हैं। ये देखो ये बैठे हैं और ये अभिषेक हो रहा है, यही गिरिराज हैं और यही ठाकुर जी हैं, अमेजिंग। और फिर इंद्र प्रकट हुआ, उसको अपनी गलती का साहस लिखा ना, हाथ, चलो मैं जूम करता हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं आप, हाथ जोड़ता इंद्र बिचारा, जड़ती काम धेनु पाय धारा, ए रावत अभिषेक रहा कर अब गोविंद हुए नटनागर। आह क्या सुंदर छवि है। चलिए आपको सुंदर दिव्य में दर्शन कराते हैं। जय जय श्री राधे श्यामल गिरिराज धरण की, जय गिरिराज महाराज की जय। अतिशय मंगल, देखते ही प्रणाम करें, यह हमारे ठाकुर जी हैं जो गिरिराज के रूप में स्वयंभू प्रकट हैं यहाँ पे, इसको मुखारविंद कहा जाता है। ठाकुर जी ने यहाँ पे दर्शन दिए हैं और मेरे साथ जी गोसाई जी हैं। गोसाई जी आपको अनंत प्रणाम, और थोड़ा अगर आप हमें आशीर्वाद दे पाएं, गिरिराज जी के बारे में कुछ बता पाएं, तो आपकी बहुत कृपा होगी। सामने वाले भगवान कृष्ण है, उनके वाले गोवर्धन महाराज है, एक रूप से पूजे है, दूसरे रूप पूजा है, और सहस्त्र पूजा फैलाए के मांग मांग के गाए कि भगवान कृष्ण का मुखारविंद ज्ञान पे है, धन दान गाठी पे है, चरण जति प्राम है जी, कृष्ण रूप का दर्शन है गिरिराज जी का। तो एक उनमें से आप कह रहे हो, एक श्री कृष्ण है और दूसरे गिरिराज जी है। जी हाँ, तो श्री कृष्ण का दर्शन वहाँ से होते हैं, मान से होते हैं। जी जी जी, हो रहा है कृष्ण सामने। अच्छा, ये सामने श्री कृष्ण है, कृष्ण स्वरूप करता है, नीचे में गोवर्धन को बोल रहे हैं इनको पूजो, एक रूप से पूजत है, दूजो पीछे वाले गोवर्धन महाराज के सामने पुजारी बन के पुजा रहे हैं। जी जी जी, तो इस प्रकार से मैं सभी भक्तों को दर्शन दे रहा हूँ आज मंगलमय गिरिराज से, और ये सब हमारी गोसाईयों की कृपा है, इन्होंने मुझे अनुमति दी, वरना हम कहाँ ये दर्शन कर पाते। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन जवा पाए, इस प्रकार से भोग चढ़ाए, कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। यदि देखो भैया, कोई भी यज्ञ कोई भी अनुष्ठान बिना दान के पूरा नहीं होता, तो जितना आपका दिल करे। फिलहाल मैं गिरिराज जी को आपको दर्शन करा रहा हूँ। जय गोवर्धन अभिष्टम अभिष्टम गोवर्धनम वंदे गोकुलम गोपतारिणम गोकुलोत्सव भीषणम गोविंदम गोपिका प्रियम वंदे नव घन श्यामम द्विभुजम मुरलीधरम पीताम्बराधरम देवम शारदम पुरुषोत्तम मंगलमय मंगलमय धर्मराज की जय। प्रणाम प्रणाम। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ही परमिशन दी थी दर्शन करने के लिए। और हमारे गिरिराज जी ठारो खड़े हो भैया, और किसकी रक्षा नहीं की ठाकुर जी ने जो उनकी शरण में आया हो। ये देखो ये क्या लिखा है, बट मुझे परमिशन मिल गई है। अरे अरे ये है नीचे गोवर्धन। तो देखिए राधे राधे, तो ये हमारे लेफ्ट में है कृष्ण जी और ये है गिरिराज जी। तो भगवान यहाँ पे स्वयं संकेत कर रहे हैं कि गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए, भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवाई थी, इसका मतलब इशारा क्या है। गीता में भगवान बोल चुके हैं, सर्वधर्म परित्यजम, छोड़ दो सबको, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। आहा हा, क्या दिव्य झांकी है, और आज तो फूलों का बंगला भी बना है। मंगल में दर्शन। जी जी श्री राधे, जय जय। बताओ भैया ब्रजवासी, आप खुद राधे राधे बोल रहे हो क्या। जी जी, तो अब मैं आप सबकी ओर से भैया कृपया ब्रिजवासी कैमरा पकड़ रहे मेरे लिए, अब मैं आप सबकी ओर से पूजा कर रहा हूँ, जहाँ भी आप बैठे, चाहे अमेरिका में, यूएस में, यू नो यूरोप में, पाकिस्तान में, शायद आप नहीं आ पाए कोरोना की वजह से, एक साल से ऊपर हो गया, आपका दास एक है अतुल कृष्णा ये पूजा कर रहा हूँ ऑनलाइन, जुड़े रहिए बस। धन्यवाद। तो ये हम यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ आप ये दिखा दें महाराज, जो हम ये यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ आप सबकी ओर से।
गोवर्धन गोवर्धन गिराज जी भोग में भेंट में मनोकामना में सुख शांति में घर परिवार में गिराज जी पूजन प्रेम से यथाशक्ति भक्ति में भी यथाशक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण चरणारविंदम तो मैं माथा टेक रहा हूँ आप सबके बिहा पे। शायद कईयों को कभी पूरी उम्र ना मौका मिले यहाँ आने का, आप सबके बिहा पे सिर झुका रहा हूँ, क्योंकि असली दरबार यही है। हम दुनिया के आगे नाक रगड़ते हैं, ठाकुर जी के आगे कई बार शर्म आती है। आप सबकी ओर से चलिए एक साथ प्रणाम करते हैं, बोलो गिरिराज महाराज की जय। जी एक 50 जी जी खैर तो चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे गंगा मैया के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि मानसी गंगा है, ये गंगा जी का स्वरूप है। तो अपने अपने माता पिता का नाम ले लीजिए, गुरुजनों का नाम ले लीजिए, और ये मैं जल चला रहा हूँ गिराज जी। जय। प्लास्टिक यूज नहीं होना चाहिए, पता नहीं ये क्यों यूज कर रहे हैं, गलत है, ये बाहर हो जाता है, तो सफाई का भी ध्यान रखें। चलिए जय। ये है मानसी देवी जी, तो मानसी गंगा की जय। मैं आपको लेकर चलता हूँ, लो जाड़ा, इसमें जाड़ा दे दो, लो लगा दो, इसी में लगा दो जाड़ा, सभी देख रहे हैं। ओहो नहीं, मैंने गंगा जी के दर्शन करा के आ रहा हूँ सबको। चलिए तो मानसी गंगा जी के दिव्य मंगल में दर्शन करते हैं। चल जगह चला गया, सॉरी, शुक्र है खाली था। ओके तो यहाँ से घाट है, आप ऐसे जाके स्नान कर सकते हैं, मैं भी करूँगा, मानसी गंगा का स्नान है ये। और ऐसे बताया जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला स्नान मानसी गंगा में खुद ही किया था, तो ये साधारण जल नहीं है, ये साक्षात मानसी गंगा जिसमें श्री कृष्ण ने स्नान किया है, अपनी कृपा दी है। तो आई होप आपको अच्छे लग रहे हैं दर्शन, मंगलमय शाम है और दिव्यतम यू नो मौका मिला है मुझे मानसी गंगा आने का। ओके और मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ, आप सबको पता ना मैं क्या मांगता हूँ आप सबसे, मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ आप सबसे कि मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, प्लीज़ डू प्रे फॉर माय पेरेंट्स, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू इन प्लेस ऑफ दिस लाइव सेशन। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ, दैट्स इट। आप सबकी ओर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ, कृपा मांग रहा हूँ मानसी गंगा जी से कि आप सबको बहुत जल्दी मौका मिले यहाँ आने का, दर्शन करने का। चलिए लो पास से ही थोड़ा सा जल ले लेता हूँ, ओ कैमरा में भी आ गया, लो आप सबको भी छिड़काव करा देते, जय हो मानसी गंगा, जय हो। मुकुट मुखार भी यहाँ पे लिखा ना, क्योंकि ठाकुर जी ने अपना चेहरा दिखाया, गिराज जी का छाती दिखाई है दान घाटी में और चरण दिखाए हैं जतिपुरा में, मगर मुख कहाँ है यहाँ पर। चलिए तो ऐसे ऐसे ब्रज के अलग अलग पद हैं यहाँ पे, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मुकरंद ब्रज मिनीत सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद, हाँ हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पद लिखे हैं ब्रज भाषा में। बोले वहाँ पे गौ माता की झांकी है,
गिरिराज जी की आरती है ये। तो आपको मैंने दर्शन कराए, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है, बट थैंक यू। चलो आपको एक बहुत अच्छी गाय माता के दर्शन कराता हूँ। ये मॉडर्न गाय माता है। हरे कृष्णा। तो जो लोग अंदर नहीं जाना चाहते उनके लिए मॉडर्न आचमन, ये मानसी गंगा का जल है आप सबके लिए। ये वो था, तो मुझे नए नए कैमरामैन मुझे मिलते हैं, थैंक यू। आपने समय दिया। हरे कृष्ण, क्या आपका नाम? हिमांशु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी, आप ही मॉडर्न गाय माता के दर्शन कर लो। भैया भाव तो भैया की गौ माता है ये। जय जय, दिखाओ दिखाओ क्या लिखा है। राधे श्री राधे, जय हो। ओके, तो इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं हैं भगवान की। भैया प्रार्थना कर रही है हमारे लिए। गौरंग श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। वो भी आए थे यहाँ पे, नरसिंहदेव भगवान की जय। गंभीर महाविष्णु मंगलमय, क्या दर्शन है मानसी गंगा की। लिखा है ना, मंदिर श्री गिरिराज महाराज मुखारविंद। और मानसी गंगा के बारे में ये भी बताया गया है कि यहाँ पे जो गंगा मैया हैं वो ज़्यादा कृपालु हैं, क्योंकि वो ब्रज में हैं। बाकी जगह वो सिर्फ हमारे पाप धोती है। वो ध्यान से सुनना, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बता रहा हूँ। बाकी जगह गंगा मैया सिर्फ हमारे पाप धोती है, मगर वृंदावन इस मानसी गंगा में जो गंगा मैया है, मगर जो वृंदावन की जो मानसी गंगा है, ये हमें हमारे पाप तो धोती है, मगर साथ साथ हमें कृष्ण भक्ति भी देती है, कृष्ण भक्ति प्रदाय नहीं है। ये है जादू मानसी गंगा वृंदावन धाम में। कैसा लगे बैग? एकदम याद आ गया, शुक्र है, वरना मैं भूल जाता। चलिए चलते हैं। राधे राधे। चलो, आई होप आपको अच्छे लगे हो ये गौ माता। चलिए अब चलता हूँ, और आशा करता हूँ आप सबको दर्शन बहुत सुंदर लगे हो, मंगल में आनंद भाव से आपने दर्शन किए हो। लो मुझे भी देख लो। हरि बोल किशोर, जल्द मिलूंगा एक और स्थान से। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स यू बॉय एके अतुल कृष्णा फ्रॉम मानसी गंगा। गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। मेरा कैमरा ऑफ ही नहीं हो रहा।